यदि आप SNP झारखंड चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो कृपया हमें दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP झारखंड। इस विजुअल को ना करें मिस, इस विजुअल को देखें। यदि आप रांची में रहते हैं तो कांटा टोली चौक में जाने से पहले या तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लें या गाड़ियों का इंश्योरेंस पक्का करवा लें। कुछ मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि रांची के जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, यहां के अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये सब चीज करानी जरूरी है। सामने आपके विजुअल है, आप देख सकते हैं कि रात में पाइपलाइन का काम हुआ है और मैं तकरीबन इस चौक पे आज हमारे दर्शकों का कहना था कि सर एक बार कांटा टोली चौक आप आए, तो मैं आज जब गया तो लंबी लंबी लाइनों को देख करके मैं भी परेशान रह गया कि माजरा क्या है। तो आप देख सकते हैं सामने एक ऑटो बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये मेन रोड है ना, ही ये साइड में है ना, दाएं ना बाएं, बीच रोड में है ये गाड़ी। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक लंबी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये ऑटो बीचों बीच फंसा हुआ है ये गड्ढे में, जिसका रीजन है ये जाम। किस कारण से हुआ है आप भी जान रहे हैं कि कंक्रीट की जगह मिट्टी भर दिया जा रहा है। कोई गाइडलाइन नहीं है कि कहां गाड़ियों को प्रवेश वर्जित है, कहां गाड़ियों को जाना है, कुछ नहीं। उससे पहले हम आइए यहां के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कांटा टोली चौक के बारे में। आइए, जो स्थिति है कांटा टोली चौक का, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ सर गाड़ी लसक फंस गया है, उसी को हम लोग ठीक होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है। रांची इतना बड़ा शहर है बताइए, और वहाँ पे मेन रोड में एकदम पूरा मिट्टी जैसे खोद के छोड़ दिया गया है। मेन रोड है, थोड़ा सा बढ़िया बना गया जो लगे कि हाँ रांची एक शहर है, पूरा गांव बना के रख दिया है। पहले माननीय सांसद महोदय भी आए थे और यहाँ पे लोगों को जो भी कंस्ट्रक्शन के अधिकारी हैं उनको हिदायत दिया गया है, जो भी काम करें वो बढ़िया करें। तो बारिश का टाइम है, इसको खोदा गया है और मिट्टी डाल दिया गया है। ये मिट्टी डाल दिया गया है, जिस आप समझ रहे हैं कि ये बरसात का टाइम और मिट्टी डालने के बाद क्या स्थिति होगा। लोगों की मजबूरी आप समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने बताया आपको कि सांसद महोदय ने भी कहा था कि जो भी काम करें आप सही करें, लेकिन अब ये देख सकते हैं इसमें आप ये मिट्टी केवल डाल दिया गया है। ये गड्ढा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये भी कांटा टोली चौक का ही है। तो सबको पता है कि अभी बरसात का टाइम है, तो यदि कोई काम करें तो क्लियर करें, नहीं तो ये लोगों को परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एक स्कूली बस भी फंसा हुआ है, एक ऑटो का हमने आपको विजुअल दिखाया था, आप देखिए अब यहाँ पे क्या ये नहीं निकल रहा है। नहीं, ये निकल तो नहीं, फंस गई है सर, चक्का बैठ गया है। पता तो नहीं था सर, प्लेन था, प्लेन में अब चक्का बैठ गया तो अब हम क्या करें। हाँ, मिट्टी जो भरा गया उसी के चलते वो पानी भी आ गया ना सर, तो वो तो धंसना ही है, लोड गाड़ी है। ये मिट्टी नहीं रहता तो नहीं धंसता? नहीं, मिट्टी नहीं रहने से नहीं धंसता। तो आप सुन सकते हैं, यदि ये मिट्टी की जगह यदि कुछ और होता, कंक्रीट होता, तो ये स्थिति नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे ये क्या स्थिति है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर। बैठते जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे लोग 1 घंटे से यहाँ फंसे थे, तो हम लोग किसी तरह से ऑटो रिजर्व करके यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू सर। सुन सकते हैं क्या स्थिति है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हर कोई अपने काम को सही तरीका से करें और सही काम हो तो किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों में बच्चे बैठे हुए हैं और ये पूरा का पूरा टायर अंदर चला गया है, इसमें निकलने का चांस नहीं है। हमको लगता है किरान जब तक नहीं आएगा तब तक ये बस निकलने का उम्मीद भी नहीं है। तो अब ऑटो से सभी अपने अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं रिजर्व कर लिए ऑटो को। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी होता है तो वहाँ पे एक कोई ना कोई एरो दिया रहता है कि यहाँ पे आप गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है, गाड़ियों को न लाएं। हमने महानगरों में कितना बार देखा, मुंबई में भी देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एलोकेटेड नहीं किया गया है कि यहाँ पे गाड़ियों को प्रवेश नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एरो नहीं है, कोई कवर नहीं है, ऐसे ही काम करके खुला में छोड़ दिया गया है, जिसका खामियाजा इन बसों को भुगतना इन गाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। ये गाड़ियाँ आकर के यहाँ पे कांटा टोली चौक में फंस रही हैं। तो जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं
अभी इससे ज़्यादा बारिश होने वाली है। अभी बारिश का मौसम चालू नहीं हुआ है, धीरे धीरे चालू हो रहा है, लेकिन आगे के लिए ये और दुखदायी होने वाला है यदि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो। हर एक गाड़ियों को ढकेल के पास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जो भी गाड़ियां यहां पे आ रही है, कुछ देर पहले आपने देखा था एक ऑटो फंसा था, अभी ये ई रिक्शा यहां पे आकर के फंस गया है, तो प्रशासन के द्वारा उसको धक्का दिया जा रहा है ताकि ये निकल जाए यहां से। लेकिन हर गाड़ियां फंस रही हैं तो जाम तो होना ही होना है, नेचुरल सा बात है। मेहरबानी खास करके कंस्ट्रक्शन वालों की, जो ये कांटा टोली वासी यहाँ भुगत रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इल प्लान्ड, दिस इज नॉट हाउ थिंग इज डन। आपके आप देखिए पीछे 40 बसेस पीछे खड़ी हुई हैं और कोई गाइडेंस नहीं कि कैसे आना है कैसे जाना है। इस प्रकार से काम नहीं होता है। और कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप कर रहे हो तो आप स्ट्रेचेस में करो ना, ऐसे क्या पूरा का पूरा रोड का काम एक साथ स्टार्ट कर रखे हो, बहुत गलत है ये। और अभी तक स्कूल के बच्चों के लिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। एस्कॉर्ट लगनी चाहिए और गाड़ी आनी चाहिए यहाँ पे उसको लेके। हो गया होगा आधा घंटा से ऊपर, आधा घंटा जी हाँ। तो आपने सुना आधा घंटा से ये बस फंसा हुआ है यहाँ पे इस कांटा टोली चौक में। इन्होंने भी यही बात कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है इन लोगों को शायद पता नहीं है, केवल ओपन में गड्ढों को खोल करके छोड़ दिया जा रहा है, किसी को अंदाजा नहीं मिल रहा, जिसका नतीजा है गाड़ियाँ फंस रही हैं। कितनी गाड़ियाँ पलटे भी खा रही हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक गाड़ी पलटी भी खाई थी इस कांटा टोली चौक में। हमने कुछ देर पहले एक गड्ढे का सीन आपको दिखाया था इस कांटा टोली चौक का, फिर भी यहाँ के कंस्ट्रक्शन के जो भी अधिकारी हैं वो सचेत नहीं हो पा रहे हैं। चौक के चारों तरफ से जाम और जाम, बच्चे जा रहे हैं पैदल, गार्जियन आ रहे हैं एक एक करके अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, किस तरह कदर जाम है आप देख सकते हैं। अभियान दस्ता भी पहुंच चुका है इस जाम को देखते हुए। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता, सिर्फ गड्ढा करके छोड़ दिया है, बच्चा लोग सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा, कोई देखने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का पहला गलती है उसका लाइसेंस कैंसिल करे, कुछ करता ही नहीं है गवर्नमेंट, गड्ढा करके तोड़ दिया आज सालों से। कंस्ट्रक्शन के द्वारा कहीं कोई रूल रेगुलेशन दिया गया कि यहां पे गाड़ी नहीं आना? कुछ रूल रेगुलेशन नहीं, आप देखिए यहां पर, आप सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं, सारा कुछ दिख रहा है बिल्कुल। यहां पे गड्ढा में कोई रिस्पांस करने वाला नहीं है बिल्कुल, आप सुन सकते हैं सीधा। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के जो भी अधिकारी हैं इसके दोषी हैं, कहीं पे कोई गाइडलाइंस नहीं दिया गया है कि कहाँ गड्ढा है। तो काफी लोगों में यहाँ रोष है यहाँ पे, जो जिस तरह से अभी काम चल रहा है कांटा टोली चौक का। और ये तो बरसात का भी शुरुआत है, यदि बरसात इससे ज्यादा होता है तो क्या हाल होगा कांटा टोली चौक का, वो भी देखने वाली बात होगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन आ चुका है इस बस को निकालने के लिए। सही में बच्चे दिखे काफी परेशान इस वक्त जिस तरह से गाड़ी फंसी है। अब एक एक करके बच्चों को बस से खाली कराया जा रहा है ताकि एक गाड़ी को बाहर निकाला जा सके क्रेन के द्वारा, कि दहने बाएं कहीं हो तो कोई दिक्कत ना हो, बस खाली रहे ताकि आराम से बस को निकाला जा सके। तो प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, बच्चे घर की तरफ रवाना हो रहे हैं एक एक करके, कुछ बच्चे अपने गार्जियन का इंतजार भी कर रहे हैं। क्रेन के द्वारा आप देख सकते हैं बस को निकालने की तैयारी की जा रही है प्रशासन के द्वारा। काफी हैवी गाड़ी है, किरान जो क्रेन भी आया था उसका सिक्कर टूट चुका है आप देख सकते हैं। जो भी गाड़ियां यहां पे आ रही है वो फंस रही है आप देख सकते हैं, फिर एक गाड़ी को फंसा यहां पे। तो पता नहीं किस हिसाब से इस रूस में काम किया जा रहा है, ये अधिकारियों को शायद पता नहीं है कि बारिश का समय है, हम मिट्टी डालें या कंक्रीट डालें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बुरा, सही में बुरा स्थिति कांटा टोली चौक का। अभी आप देखें एक और बस फंस गया यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आप अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस या अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लें, पता नहीं कब कहां आप फंस जाएं या आपकी गाड़ी पलटी खा जाए। चलिए मेहरबानी कंस्ट्रक्शन वालों की। तो ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, ये स्थिति है इस रूट का,
जितना भी कहें, जितना भी दिखाएं, शायद कम हो, पता नहीं अधिकारी अभी भी बात को कंस्ट्रक्शन के अधिकारी समझेंगे या नहीं, ये बात पता नहीं। काफ़ी वक्त हो चुका, करीबन एक घंटे हो चुका इस बस को फंसे हुए, तो बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं, तो हो सक ये कहने वाली बात नहीं है कि भूख नहीं लगी होगी, तो अब क्या करें, जो मिला वो खा रहे हैं अभी यहाँ खड़े होकर के। फिर से दोबारा कोशिश क्रेन के द्वारा बस को निकालने की तैयारी, आप देख सकते हैं क्रेन के द्वारा खींचा जा रहा है बस को, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देख सकते हैं गाड़ी आगे से भी उठ जा रहा है, बहुत बुरा फंसा हुआ है इस समय ये बस। जवानों के द्वारा भी आप देख सकते हैं मेहनत किया जा रहा है, लगातार परिश्रम किया जा रहा है कि जैसे भी हो इस गाड़ी को निकाला जाए। बेलचे और कुदार का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद प्रयास, जो तीसरे बार जो प्रयास हुआ वो कामयाब रहा, बस को बाहर निकाल लिया गया, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बस को बिल्कुल बाहर निकाल लिया गया है इस क्रेन के द्वारा। कितना था गड्ढा वो आप देख सकते हैं इस समय विजुअल में आप। चलिए हमें उम्मीद है कि इसके बाद ऐसा कोई गलती ना हो, शायद अधिकारियों के इस पे आँख खुले। सबसे पहले तो यहाँ अति आवश्यक है गाइडलाइंस दिया जाए, इसको कवर किया जाए कि यहाँ पे गाड़ियों को आना, गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है, इसको पहले कवर किया जाए। जहाँ भी ये गड्ढे हैं या जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अधिकारियों के द्वारा गाइडलाइन दिया जाए ताकि ये दिक्कत ना हो, और जहाँ जहाँ पर ये इशू है, जहाँ मेन इशू है, वहाँ पर तुरंत कंक्रीट किया जाए ताकि यातायात बाधित ना हो और कांटा टोली लोगों को कोई दिक्कत ना हो और स्कूली बसों को भी दिक्कत ना हो। अधिकारी इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लें, हमें उम्मीद है कि तुरंत इस पे। जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये गड्ढा, क्या मजाक है, कांटा टोली सही है, मजाक बनकर रह गया है। एक हमारे व्यूअर ने कहा कि सर प्लीज आप यहां पे आए एक बार और देखें, आज वही मैंने देखा कि कांटा टोली चौक का क्या बद से बदतर स्थिति होकर रह गया है। कंस्ट्रक्शन के अधिकारी कहां रहते हैं, नहीं रहते हैं, कुछ पता नहीं। हमें उम्मीद है अधिकारी इस पे काम करेंगे और खास करके रांची वासियों को इससे निजात मिलेगा। बारिश होने वाली है, उससे पहले ये जरूरी जो काम है वो कर लें। यदि कंस्ट्रक्शन का काम कहीं चल रहा है तो आप रहें सावधान, साबूत आपके सामने क्या है वो आपने अभी तक देखा। अपना ख्याल रखें, देखते रहें SMP झारखंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। ओडियो चैनल।